Vayam Prabha. Digital India. Educated India. वेल दिस इज़ डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बी एच ओ दिस इज़ माई एटींथ लेक्चर और टॉपिक है राष्ट्रीय आपात एवं मूल अधिकार पर उसका प्रभाव यह संवैधानिक विधि का मेरा अठारहवा लेक्चर है और यह संबंधित है राष्ट्रीय आपात एवं मूल अधिकार पर उसका क्या प्रभाव होता है इस व्याख्यान के अंतर्गत हम इसकी चर्चा करेंगे मैंने चूंकि हिंदी भाषी क्षेत्र के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखते हुए उनकी मनसा उनकी मनस्थिति को ध्यान में रखते हुए स्लाइड बनाने का प्रयास किया है और पूरा प्रयास किया है कि मैं निश्चित रूप से अगर इसका यह अध्ययन करेंगे तो पी सी एस या पी सी एस जै आई एस के परीक्षाओं में वे आप देखेंगे अनसॉल्व पेपर उठा के आप देखेंगे जो परीक्षाएं जो परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं तो निश्चित रूप से इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए होंगे उसका जवाब आपको मिलेगा मैं ये बताने का प्रयास करूंगा पहले कि राष्ट्रीय आपात क्या है और नेशनल इमरजेंसी लागू कौन करता है किन आधारों पर होती है ग्राउंड क्या है और इसका फंडामेंटल राइट पर क्या प्रभाव है दूसरा ध्यान रखना है कि कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या डिफरेंस है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस है यह संविधान का एकमात्र ऐसा प्रावधान है जहाँ पे कि मंत्रिमंडल शब्द यूज किया गया कैबिनेट के परामर्श पर राष्ट्रपति कार्य करेगा जबकि अन्य प्रावधानों में आप देखेंगे मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति कार्य करता है इस शब्दावली का प्रयोग किया गया है इससे संबंधित उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय क्या हैं फंडामेंटल राइट को लेकर के नेशनल इमरजेंसी का न्यायिक पुनर्वलोकन हो सकता है या नहीं हो सकता है यदि राष्ट्रीय आपात दुर्भावना से प्रेरित है तो क्या ऐसी स्थिति में या राष्ट्रीय आपात के दौरान व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं क्या उसके विरुद्ध भी उपचार प्राप्त है इससे संबंधित कानूनी प्रावधान संवैधानिक प्रावधान को और उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अध्ययन इस व्याख्यान के अंतर्गत किया जाएगा तो सबसे पहले आते हैं स्लाइड पर आप देखें राष्ट्रीय आपात जो नेशनल इमरजेंसी है आर्टिकल तीन सौ बावन थ्री फिफ्टी टू में है मैंने पहले तो यह अनुच्छेद को देखें राष्ट्रीय आपात है क्या नेशनल इमरजेंसी यह संविधान की जो बात है मैं उसको अध्ययन पढ़ रहा हूँ एक स्लाइड मैंने बनाया देखें कि आर्टिकल तीन के अनुसार जब राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि भारत या उसका कोई राज्य क्षेत्र जिसके समक्ष संकट ऐसा संकट जो युद्ध बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर पूरे भारत या उसका राज्य क्षेत्र संकट में है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह समीचीन होगा विधिपूर्ण होगा कि वह पूरे भारत क्षेत्र में या किसी राज्य विशेष क्षेत्र में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है अब संविधान की आर्टिकल तीन सौ बावन राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान करती है कि जब राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाए कि भारत या उसके किसी भूभाग में ऐसा संकट युद्ध बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ऐसा संकट विद्यमान है कि राष्ट्रीय आपात का लागू किया जाना आवश्यक है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह पूरे भारत के लिए पूरे भारत पूरे भारतीय भूभाग में या प्रभावित राज्य क्षेत्र में आपात की उद्घोषणा कर दे तो ये अब यहां पर इसको समझना है कि राष्ट्रपति का समाधान आर्ट तीन सौ में जो शब्दावली का प्रयोग किया गया है जब राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाए कि युद्ध बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भारत या उसका किसी राज्य क्षेत्र की सुरक्षा संकट में है तो राष्ट्रपति का समाधान से तात्पर्य राष्ट्रपति का व्यक्तिगत समाधान नहीं है राष्ट्रपति का समाधान से तात्पर्य मंत्रिमंडल के समाधान से है अर्थात राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा तब तक नहीं कर सकता जब तक मंत्रिमंडल कैबिनेट की लिखित सूचना राष्ट्रपति को न दी जाए जैसा कि 1975 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन लागू किया था तो यह आपको जानना याद करना आवश्यक है कि संविधान का एकमात्र ऐसा प्रावधान आर्टिकल थ्री फिफ्टी नाइन है जहां पर कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श पर कैबिनेट के परामर्श पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करता है मंत्रिपरिषद के परामर्श पर नहीं ये प्राय प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है इसलिए मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ इस, इस बिंदु को ज्यादा मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि जिससे छात्र समझ पाए कि कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या डिफरेंस है तो कैबिनेट के लिखित सूचना के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करेगा ग्राउंड भी दिए गए हैं तीन सौ उनसठ के अंतर्गत तीन आधार हैं कौन कौन से जब युद्ध हो जाए भारत या किसी और राष्ट्र से युद्ध हो जाए युद्ध की स्थिति में वार की स्थिति में एक्सटर्नल एग्रेशन की स्थिति में बाह्य आक्रमण यदि कोई कर देता है कोई भारत पर कोई आक्रमण कर दे जैसा कि उन्नीस में चीन ने भारत पर जब आक्रमण किया तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा देश में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की गई जब चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया तो बाह्य आक्रमण के आधार पर या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू किया जा सकता है सशस्त्र विद्रोह तीसरा जो ग्राउंड है यह चवालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस के द्वारा जोड़ा गया आपको ये बता दें कि यह चवालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस के द्वारा इसको आपको स्क्रीन इस पर मैं बताऊँ स्क्रीन पर देखें आर्टिकल तीन सौ उनसठ के अंतर्गत तीन आधार दिए गए युद्ध बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह ये तीन आधार हैं जिन में से किसी एक आधार पर राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपात की उद्दोषणा राष्ट्रपति कर सकता है मैंने नीचे लिखा है चौवालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस सौ अठहत्तर के द्वारा ये जोड़ा गया तीसरा वाला सशस्त्र विद्रोह केवल जोड़ा गया है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर पहले क्या था आंतरिक अशांति थी आंतरिक अशांति मीसा एक एक्ट था मेंटेनेंस ऑफ इंटरन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 आंतरिक सुरक्षा अधिनियम उन्नीस जिसमें 25 जून 1975 को भारत के राष्ट्रपति के तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा देश में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था जनता पार्टी की सरकार जब वर्ष उन्नीस में केंद्र आसीन हुई केंद्र में पदासीन हुई तो जनता पार्टी सरकार ने जन देश की जनता से वादा किया था कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो इस राष्ट्रीय आपात की पुनरावृत्ति को रोकने का प्रयास करेंगे और संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष उन्नीस में उस आंतरिक अशांति को रिपील कर निरसित करके वहाँ पर एक नया आधार जोड़ा गया राष्ट्रीय आपात का वह है सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात लागू किया जाएगा अब आंतरिक अशांति राष्ट्रीय आपात का आधार नहीं है तो ये तीन चीज़ें क्लियर हो गई कि आर्टिकल तीन में जो नेशनल इमरजेंसी के तीन ग्राउंड हैं युद्ध के आधार पर बाह्य आक्रमण के आधार पर और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर तीसरा कब जोड़ा गया मैंने आपको ये बताया राष्ट्रपति आर्टिकल तीन सौ उनसठ के अंतर्गत ये उद्घोषणा कर सकता है तीन सौ बावन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है अब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किए जाने के पश्चात यह कितने समय तक प्रवर्तन में रहेगी यह प्रश्न है तो इसको दूसरे स्लाइड में मैंने बताने का प्रयास किया आप देखें स्क्रीन पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रीय आपात की के घोषणा केवल मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पर ही होगा पीएम के परामर्श पर नहीं इस पूरी सूचना मैंने देने का इंफॉर्मेशन देने का प्रयास किया क्यों ऐसा किया गया कैबिनेट वर्ड यूज किया गया यहाँ पे दूसरा इस राष्ट्रीय आपात का जो प्रभाव है वह केवल एक माह रहेगा यह पहले चौवालीस इसको भी चौवालीसवें संविधान संशोधन के पूर्व स्थिति दो माह था कार्यपालिका केंद्र की सरकार इसका दुरुपयोग न करने पाए इस सुनिश्चित करने के लिए ये कहा गया कि राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा तो किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा लेकिन उसका प्रवर्तन प्रभाव केवल एक माह का रहेगा एक माह के भीतर यदि संसद के दोनों सदन इसका अनुमोदन कर दें तो अनुमोदन के पश्चात इसके कार्यकाल को छः माह के लिए बढ़ाया जा सकेगा तीसरा इसमें मैंने स्लाइड पर लिखा हुआ है कि संसद अगर पुनः अनुमोदन कर दे दो तिहाई बहुमत से तो अनुमोदन दो तिहाई बहुमत से ही होगा साधारण बहुमत से इसको भी ध्यान रखना है प्राय गलतियां यहां पे छात्रों के द्वारा होती है संसद के द्वारा जो अनुमोदन होगा वो दो तिहाई टू थर्ड मैंने लिखा है प्रेजेंट एंड वोटिंग संसद सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के द्वारा ही किया जाएगा साधारण बहुमत संमोधन नहीं मैंने लिखा है इसमें और यदि छ माह के सप्ताह छः माह की समाप्ति के पश्चात या एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात जब राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि अब राष्ट्रीय आपात वापस लिया जाना चाहिए तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात को भारत का राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है और वापसी संबंधी जो प्रस्ताव होगा उसको सदन में साधारण बहुमत से ही पारित किया जा सकता है साधारण बहुमत से उसका अनुमोदन होना चाहिए लेकिन ये दो तिहाई की आवश्यकता क्यों रखी गई कि राष्ट्रीय आपात का लागू किया गया जिस दिन से लागू किया गया एक माह तक उसका प्रभाव रहेगा अगर एक माह के पश्चात वह स्वतः समाप्त हो जाएगा यदि संसद उस प्रस्ताव को दो तिहाई बहुमत से अनुमोदित नहीं करती रेटिफाई नहीं करती आ, संसद के द्वारा रेटिफिकेशन इसलिए आवश्यक है दो तिहाई बहुमत से रेटिफिकेशन इसलिए आवश्यक है कि इसका दुरुपयोग केंद्र सरकार इसका दुरुपयोग न कर पाए यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया गया कि संसद का टू थर्ड बाई टू थर्ड मेजॉरिटी रेटिफिकेशन आवश्यक है यदि दो तिहाई बहुमत से उसका रेटिफिकेशन नहीं हुआ है तो संसद के द्वारा अगर प्रस्ताव गिर जाए या संसद दो तिहाई बहुमत से उसका प्रस्ताव को अनुमोदन समर्थन न कर पाए तो राष्ट्रीय आपात एक माह की समाप्ति के पश्चात स्वतः समाप्त समझा जाएगा एक बात हो गई दूसरी बात ये प्रावधान सोची समझी रणनीति के तहत संविधान निर्माताओं ने इसको रखा था कि कहीं ऐसा ना हो कि केंद्र इसका दुरुपयोग करने लगे कि आंतरिक शांति या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर केंद्र कभी ऐसी स्थितियां कभी हो सकती हैं आपराधिक मामलों में कि तो इसलिए संसद के द्वारा जब संसद के दो तिहाई बहुमत होंगे तो उसमें विपक्ष का भी होगा सत्ता पक्ष का होगा ही होगा विपक्ष के लोग भी अगर उसका अनुमोदन कर देते हैं कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय आपात लागू किया जाए और पूरे देश में राष्ट्रीय आपात लागू किया जाए या किसी प्रभावित राज्य में राष्ट्रीय आपात लागू किया जाए और वहाँ की सत्ता केंद्र के अधीन रखी जाए यदि इस प्रकार की आवश्यकता और दो तिहाई बहुमत से संसद अनुमोदन कर दे तो निश्चित रूप से वह छः माह के लिए बढ़ाया जा सकता है पुनः अगर छ माह के लिए बढ़ाना है तो संसद को छः माह की समाप्ति के पहले ही उसे अगर संसद पुनः दो तिहाई बहुमत से अनुमोदन कर दे कि अभी राष्ट्रीय आपात अभी संकट बाह्य आक्रमण का संकट बना हुआ है युद्ध अभी की स्थिति बनी हुई है तो अभी भी संकट भारत के समक्ष संकट है इसको छः माह से आगे बढ़ाना है वो तभी बढ़ेगा जब संसद के दोनों सदन पुनः दो तिहाई बहुमत से उसका अनुमोदन कर दें तो अनुमोदन के पश्चात वह पुनः छः माह के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है तो ये हो गई राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा उससे संबंधित प्र, प्रावधान राष्ट्रीय आपात लागू करने के आधार उसका कार्यकाल टेन्योर कितना होगा पीरियड कितना होगा राष्ट्रीय आपात का ये मैंने बताने का प्रयास किया है अब देखिए राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा का विस्तार क्षेत्र क्या है मैंने देखिए इसमें लिखा है स्क्रीन पर आप देखें कि बयालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस के द्वारा तीन में जोड़ा गया कि राष्ट्रीय आपात पूरे भारत में या किसी प्रभावित क्षेत्र में हो सकता है इसके पूर्व पहले भारत में पूरे भारत के लिए था तो अब जरूरी नहीं है कि अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण अगर कहीं भारत के जम्मू कश्मीर या ऐसे किसी समीपवर्ती जो देश की सीमा पर है तो उसका प्रभाव जैसे बिहार या उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता तो वहाँ पर पूरे देश में न लागू करते हुए केवल राज्य विशेष में अगर राष्ट्रीय आपात लागू किया जाए तो पूरे देश को उससे अलग रखा जाए तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए और यह बेहतर भी है कि संकट अगर किसी राज्य क्षेत्र या विशेष क्षेत्र में ही है तो उसका खामियाजा पूरा राष्ट्र न भुगते पूरे देश पूरा राज्य प्रभावित ना हो इसलिए ये प्रावधान रखा गया कि युद्ध बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से कोई अगर भूभाग भारत का कोई भूभाग ही प्रभावित है कोई पर्टिकुलर स्टेट प्रभावित है तो उसी स्टेट में ही आ, उसी राज्य में ही राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाए और उन्हीं राज्य के नागरिकों के अधिकारों को निलंबित किया जाए पूरे देश के राज्यों में राष्ट्रीय आपात लागू न किया जाए नागरिक स्वतंत्रता को बाधित न किया जाए तो इसलिए ये संशोधन किया गया होगा दूसरा देखें स्क्रीन पर ही देखें अब राष्ट्रीय आपात के अंतर्गत अगर व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया इमरजेंसी लागू की गई है व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या ऐसा व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की संवैधानिकता को किसी न्यायालय में चुनौती दे सकता है या नहीं दे सकता उसका न्यायालय पुनर्वलोकन रिव्यू कर सकता या नहीं कर सकता है इससे संबंधित पहला मामला उच्चतम माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष माखन सिंह बनाम पंजाब राज्य के, के केस में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया उच्चतम न्यायालय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णित किया गया कि दुर्भावना के आधार पर यदि राष्ट्रीय आपात का न्यायिक पुनर्लोकन हो सकता है मैंने इसको संक्षेप में जी लिखा है जी का मतलब यहाँ पे है जुडिशियल रिव्यू तो माखन सिंह बनाम पंजाब राज्य के केस में उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया कि दुर्भावना के आधार पर राष्ट्रीय आपात का न्यायिक पुनर्लोकन हो सकता है तो ये बात क्लियर हो गई कि यदि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित है तो उसका रिव्यू उसका पुनर्वलोकन उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है अब आते हैं स्क्रीन पर आप देखें राष्ट्रीय आपात का प्रभाव क्या होगा तो मैंने इस स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लागू है तो संघ का राज्यों को निर्देश देने की पावर मिल जाएगी संसद को राज्य लोकसभा के सूची पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी आर्टिकल 250 में लोकसभा की अवधि में वृद्धि हो सकती है वित्तीय संबंध जो है प्रभावित हो सकता है और मूल अधिकार भी राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित हो जाते हैं सस्पेंड हो जाते हैं अब देखते हैं कि राष्ट्रीय आपात का जो प्रभाव है एक एक करके देखते हैं कि राज्यों को निर्देश देने कि आप ये देखें जब राष्ट्रीय आपात लागू हो जाता है तो संघ सरकार राज्य को कोई विशेष डायरेक्शन दे सकता है निर्देश दे सकता है कि राज्य विधानसभा ऐसी कोई भी बैठक न करे कोई ऐसा कानून न बनाए जिससे राष्ट्रहित को राष्ट्रहित जिससे प्रभावित हो या राज्य सरकार का कोई भी व्यक्ति मंत्री इस प्रकार से कोई वक्तव्य न दे कोई ऐसा लेख प्रकाशित न करे जो कि देश का देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करता हो तो केंद्र सरकार को यह पावर मिल जाता है कि वह राज्य सरकार को कोई दिशा निर्देश दे और ऐसी स्थिति में राज्य का संवैधानिक दायित्व तो है कि वह केंद्र के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को पालन करे दूसरी बात जैसे उदाहरण के तौर पर इसको समझें कि अगर जिन राज्यों में जिन राज्य के भूभाग राष्ट्रीय जहां पर युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है जिस राज्य में उस राज्य की भूभाग को जमीन को लैंड को अगर केंद्र अपने सेना को देना चाहता है केंद्र केंद्रीय सरकार अपनी सेना को वहाँ पे डिप्लॉय करना चाहती है जिससे कि उस विदेशी राष्ट्र से लड़ा जा सके तो राज्य सरकार का यह संवैधानिक दायित्व तो है कि वह केंद्र सरकार को सहयोग करे यह इस आधार पर मना नहीं कर सकती कि लैंड चूंकि राज्य सूची का विषय है और लैंड जो है राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है इसलिए हम इस जमीन को आपको सेना को सुपुर्द नहीं कर सकते हैं राष्ट्रीय हित में राज्य की किसी भी संपत्ति पर केंद्र का अधिकार हो सकता है और निर्देश दे सकती है कि इस भूभाग को विशेष जहाँ पर राष्ट्र जहाँ पर राष्ट्रीय आपात लागू है उस राज्य के उस भूभाग पर केंद्र की सेना होगी पैरामिलिट्री फोर्सेस होंगे जिससे कि देश से लड़ा जा सके तो यह राज्य संघ सरकार जो है वह राज्य को निर्देश दे सकती है और राज्य उस निर्देश को मानने के लिए बाध्य होगा और यदि राज्य सरकार कल्पना करें कि यदि राज्य सरकार संघ के उस दिशा निर्देश को नहीं मानती है तो क्या होगा एक संवैधानिक संकट उत्पन्न होगा तो यह माना जाएगा कि राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है और राज्य में संविधान तंत्र विफल हो चुका है इसलिए राज्य को केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को मानना आवश्यक है अब देखते हैं कि संसद के द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है वैसे संविधान के अंतर्गत तीन सूचियां हैं संघ सूची राज्य सूची सम्बीय सूची संघ सूची के विषय पर केवल पार्लियामेंट कानून बनाती है आप सभी जानते हैं राज्य सूची में जो 66 सब्जेक्ट मैटर उल्लेख किए गए हैं सेकेंड लिस्ट में जिसको हम स्टेट लिस्ट बोलते हैं उस स्टेट लिस्ट में जो सिक्सटी सब्जेक्ट मैटर हैं उस पर राज्य विधानसभाएँ राज्य विधानमंडल कानून बनाने के लिए सशक्त हैं परंतु जब राष्ट्रीय आपात लागू है नेशनल इमरजेंसी लागू है तो ऐसी स्थिति में राज्य विधानसभा तो भंग नहीं होती राज्य विधानसभा रहती है ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए संदेह नहीं होना चाहिए राज्य विधानसभा होती है राज्य विधानसभा के होते हुए भी राज्य सूची के विषय पर संसद को विधि निर्माण की शक्ति कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और ऐसा सर्वथा उचित भी है कि जब राष्ट्रीय आपात लागू है तो राज्य सूची के किसी विषय पर लगता है संसद को कि यह कानून बनाया जाना राष्ट्रहित में होगा तो संसद उस राज्य सूची के किसी भी विषय पर इमरजेंसी लागू होने पर राष्ट्रीय आपात जब तक लागू है तब तक वहाँ के लिए कानून बना सकती है उस राज्य के लिए और राज्य विधानसभा या राज्य सरकार इस आधार पर आक्षेप नहीं कर सकते कि इस राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना रही है यह स्वयं देश की सर्वोच्च विधि संसद और देश की सर्वोच्च विधि संविधान ने ये पावर दिया हुआ है संसद को कानून विधि निर्माण का विशेष परिस्थिति में आपराधिक परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर संसद का कानून बनाया जाना यह विशेष अपवादिक परिस्थितियों में ही संसद बना सकता है संसद की जो पार्लियामेंट की राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की जो शक्ति है वह कंडीशनल है दैट इज सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन एंड दैट कंडीशन इज नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात की दशा में ही राज्य सूची पर विधि बना सकता है सामान्यतः राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाने की शक्ति नहीं है उसको पावर नहीं है अब स्वाभाविक है जब राष्ट्रीय आपात लागू है तो लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है लोकसभा की अवधि में पाँच वर्ष के जगह छः वर्ष हो सकता है वहाँ पर विपक्ष ये नहीं मांग कर सकता कि पाँच वर्ष व्यतीत हो चुके हैं राष्ट्रीय आपात लागू है वो अपनी जगह है निर्वाचन होना चाहिए चुनाव होना चाहिए ये इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप राष्ट्रीय आपात जब देश के समक्ष संकट हो तो देश जब संकट से गुजर रहा हो तो उस दौरान किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा इस प्रकार की मांग करना कि पाँच वर्ष व्यतीत हो चुके हैं अब लोकसभा को भंग करके नया चुनाव करना चाहिए यह निश्चित रूप से उचित नहीं माना जाएगा इसलिए राष्ट्रीय आपात अगर विद्यमान है तो लोकसभा की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि हो सकती है उससे पाँच वर्ष की जगह छः वर्ष बढ़ाया जा सकता है अब ये प्रभाव हो गया कि लोकसभा की जो पीरियड है वो भी बढ़ जाता है राष्ट्रीय आपात लागू होने पर अगला प्रभाव है कि जब राष्ट्रीय आपात लागू होगा तो केंद्र और राज्य के जो वित्तीय संबंध है वो भी प्रभावित हो जाते हैं केंद्र और राज्य का जो वित्तीय संबंध है वो कैसे प्रभावित होगा कि चूंकि ऐसी स्थितियों में जो राज्य के भी पावर हैं सख्तियाँ हैं वो केंद्र में लगभग लग निहित हो जाती हैं राज्य के पावर को केंद्र एक्सरसाइज करता है व्यवहारिक रूप से राष्ट्रीय आपात लागू होने पर तो जो इन जितने भी रिलेशन हैं केंद्र राज्य के मध्य वह भी राष्ट्रीय आपात में प्रभावित होंगे चाहे प्रशासनिक संबंध हो चाहे वह विधायी संबंध हो चाहे वह वित्तीय संबंध है अब आते हैं कि मूल अधिकार पर राष्ट्रीय आपात का क्या प्रभाव होगा यदि राष्ट्रीय आपात लागू किया जाता है तो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट निलंबित हो जाते हैं ऐसा प्राय माना जाता कहा जाता है जैसा देखें कि जब फंडामेंटल uh, राइट का वायलेशन मूल अधिकार का निलंबन कैसे होगा राष्ट्रीय आपात लागू होने की दशा में राष्ट्रीय आपात यदि प्रवर्तित है राष्ट्रपति के द्वारा जारी कर दिया गया है तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो अधिकार फंडामेंटल राइट हैं स्वतः निलंबित हो जाएंगे अब मैंने ये चीज़ें बताई कि राष्ट्रीय आपात लागू होने पर संघ राज्य को निर्देश देता है और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का उसके जो विधाई केंद्र राज्य के मध्य जो विधायी संबंध हैं प्रशासनिक संबंध हैं और जो वित्तीय संबंध हैं तीनों पर प्रभाव पड़ता है और मैंने इसको विस्तार से बताया है कि संघ सरकार राज्यों को निर्देश देने की पावर रख रखती है राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण की पावर रखती है और वित्तीय संबंधों में परिवर्तन होता है चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि फंडामेंटल लाइट भी प्रभावित होता है जब राज्य सूची के विषय पर ये तो चीज़ें हो गई जब राष्ट्रीय आपात लागू होगा तो निश्चित रूप से मौलिक अधिकार भी प्रभावित होंगे उसको मैंने स्लाइड के माध्यम से आप स्क्रीन पर देखें मैंने एक अलग उसके लिए सेपरेट स्लाइड बनाया है क्या है उसमें कि राष्ट्रीय आपात का मूल अधिकार पर प्रभाव मैंने लिखा है कि राष्ट्रीय आपात कैसे मूल अधिकार को प्रभावित करता है इसके लिए मैंने लिखा है आर्टिकल 358 के अनुसार आर्टिकल 19 निलंबित हो जाती है मैंने लिखा है कि संविधान के आर्टिकल तीन सौ उनसठ तीन यह प्रावधानित करती है कि जब राष्ट्रीय आपात की उस घोषणा की जाएगी तो संविधान के अंतर्गत संविधान के आर्टिकल उन्नीस में प्रावधानित मौलिक अधिकार निलंबित स्वतः निलंबित हो जाते हैं और आर्टिकल थ्री फिफ्टी के अधीन घोषणा युद्ध आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हो सकता है भारत चीन मैंने इसमें लिखा हुआ है दूसरा लिखा है कि आंतरिक अशांति के आधार पर हुआ आंतरिक अशांति अब समाप्त हो गया अब इसको एक एक करके देखते हैं कि संविधान की आर्टिकल तीन सौ थ्री फिफ्टी एट में प्रावधान किया गया है कि जब राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किए जाने के किए जाने पर आर्टिकल उन्नीस के अंतर्गत जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उस दौरान व्यक्ति अपने अभ्यक्ति की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता भ्रमण की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता सामान्यतः है आर्टिकिल उन्नीस के अंतर्गत उन्नीस एक डी के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को संविधान भारत में निर्बाध रूप से भ्रमण की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है वह जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और इधर कच्छ की रण से लेकर के मेघालय सिक्किम नागालैंड तक बिना किसी बाधा से रोक टोक सरकारी हस्तक्षेप राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है उससे भ्रमण की स्वतंत्रता होती है आवागमन की उसे अधिकार स्वतंत्रता फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है संविधान देता है आर्टिकल उन्नीस सौ एक को के अंतर्गत संघ बनाने यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है शांतिपूर्वक सभा और संवेदन करने की स्वतंत्रता है आप कल्पना करें कि राष्ट्रीय आपात यदि लागू हो और उसी दौरान जनता का एक समूह कहने लगे कि संविधान की आर्टिकल उन्नीस एक ख के अंतर्गत सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है संघ बनाने की स्वतंत्रता है हमको भ्रमण करने की स्वतंत्रता है तो स्वाभाविक रूप से भारत सरकार को भी उस देश के समक्ष जो संकट है उसको उससे निजात पाने में उसको नियंत्रित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा इसलिए स्वयं संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल तीन में थ्री में यह प्रावधान कर दिया था कि जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा भारत की के राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल तीन सौ अट्ठावन के अंतर्गत की जाएगी तो संविधान के आर्टिकल उन्नीस में प्रत्याभूत मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएंगे सारी सा, सारी स्वतंत्रताएं फ्रीडम निलंबित हो जाएंगी स्वतः निलंबित हो जाएंगी अब आप देखें कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा भारत में कब कब लागू की गई पहला मैंने स्क्रीन पर ही दिखाया है उन्नीस में जब भारत ने चीन पर आ, जब भारत चीन युद्ध हुआ जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया दूसरा 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई तो उस दौरान फंडामेंटल आइट तो स्वाभाविक है निलंबित हो गए अब ये देखते हैं कि राष्ट्रीय आपात यदि लागू हुआ तो मौलिक अधिकार निलंबित हैं एक उन्नीस का निलंबित होना लेकिन क्या जीवन का अधिकार भी निलंबित होगा क्या कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रीय आपात के दौरान गिरफ्तार किया गया है तो वह व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की वैधता को न्यायालय में चुनौती दे सकता है नहीं दे सकता है मैंने जैसा कि आपको बताया जो माखन सिंह बनाम पंजाब राज्य का केस है उसमें उच्चतम न्यायालय ने पहली बार यह निर्णित कर दिया था कि जहां पर गिरफ्तारी राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है वहां पर राष्ट्रीय आपात के दौरान यदि राष्ट्रीय आपात राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है तो उस राष्ट्रीय आपात का भी न्यायिक पुनर्विलोकन उच्चतम न्यायालय कर सकता है तो नेशनल इमरजेंसी जो है वह जुडिशियल रिव्यूज के दायरे जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं है इसको दूसरे स्लाइड के माध्यम से देखते हैं कि इसमें क्या घटना घटित हुई देखिए माखन सिंह बनाम पंजाब राज्य को मैंने स्लाइड पर लिखा है इस केस में एक इंडिया डिफे, एक था इंडिया डिफेंस रूल भारतीय प्रतिरक्षा नियम इंडिया डिफेंस रूल की धारा 30 के अधीन माखन सिंह एवं अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था भारतीय प्रतिरक्षा अधिनियम था इंडिया डिफेंस रूल एक्ट जिसकी धारा 30 की संवैधानिकता को न्यायालय में चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय किया गया कि आर्टिकल तीन सौ अट्ठावन उनसठ के अधीन देखें स्क्रीन पर आर्टिकल 359 के अधीन जारी आदेश आर्टिकल 19, 32 या 226 के अधीन वाद दायर करने का अधिकार निलंबित अब एक बात तो ये क्लियर थी कि आर्टिकल 19 तो स्वतः निलंबित होगा राष्ट्रीय आपात में लेकिन क्या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में वाद लाने का अधिकार भी निलंबित होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वाद दायर नहीं कर सकता है राष्ट्रीय आपात के दौरान भी वाद दायर करने का अधिकार भी निलंबित हो जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया आर्टिकल 32 में भी दिया हुआ है 226 में भी दिया हुआ है अब दूसरा इसको केस देखें मैंने स्लाइड पर ही लिखा हुआ राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य राम मनोहर लोहिया मामले में भारतीय प्रतिरक्षा अधिनियम उन्नीस के अधीन गिरफ्तारी अवैध है प्रस्तुत मामले में राम मनोहर लोहिया की गिरफ्तारी को भी माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भारतीय प्रतिरक्षा अधिनियम उन्नीस के अधीन गिरफ्तारी को अवैध ठहरा दिया कि गिरफ्तारी अवैध है अब इसको आते हैं देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण केस इसमें जो एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला ए आई सुप्रीम कोर्ट अब देखें राष्ट्रीय आपात लागू होने से संबंधित जो सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण केस है वह है स्क्रीन पर आप देखें ए जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला ए या आई आर सुप्रीम कोर्ट इस केस को ए जबलपुर केस को बंदी प्रत्यक्षीकरण वाद के नाम से भी जानते हैं। हैंबियस कार्पस केस मैं इसी पर लिख दूँ हैबियस कार्पस केस के नाम से भी जानते हैं निर्णय देखिए इसमें चार एक के संवैधानिक पीठ के बहुमत से निर्णय हुआ तो क्या जजमेंट आया कि राष्ट्रीय आपात के दौरान व्यक्ति की गिरफ्तारी की वैधता को आर्टिकल बीस इक्कीस के अधीन चुनौती नहीं दी जा सकती किन न्यायाधीशों के द्वारा निर्णय दिया गया ये भी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है कि किन न्यायाधीशों के द्वारा एडीएम जबलपुर के मामले में निर्णय दिया गया तो मैंने उसको स्लाइड पर ही लिखा है जस्टिस ए एन रॉय जस्टिस पी एन भगवती जस्टिस बेग तीन हो गए जस्टिस चंचूर, परंतु जस्टिस खन्ना का जो इसमें जजमेंट आया वह अभी सम्मत में था वह पक्ष में नहीं थे अब हैबियस कार्पस केस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रीय आपात को लेकर के इस संविधान की आर्टिकल इक्कीस के ट्वेंटी वन के अंतर्गत भी आप पढ़ेंगे देखेंगे इस केस का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत भी आता है क्रिमिनल लॉ सीआरपीसी में भी आप इसको कहीं पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रशासकीय विधि के अंतर्गत भी ये केस आपको बहुत महत्वपूर्ण मिलेगा अब देखते हैं कि ए जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला ए आई जिसे हैबियस कार्पस केस के नाम से भी जाना जाता है इसमें तथ्य क्या था फैक्ट क्या घटना घटित हुई वास्तव में और तथ्य को जाने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कैसे किया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सत्य है या सही है इसको देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे मैंने अभी ठीक इसके पहले व्याख्यान में बताया था कि 25 जून उन्नीस को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा देश में राष्ट्रीय आपात लागू किया गया राष्ट्रीय आपात लागू किया गया मीसा के आधार पर एक कानून था उन्नीस का जो मैं कानून को पूरा पढ़ूँ मीसा एम आई एस ए मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 उस मीसा अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान था कि इंटरनल सिक्योरिटी को अगर कोई डिस्टर्ब करेगा तो उस किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को सरकार के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकेगा 1971 का वह जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम जो किसी भी पुलिस अधिकारी को किसी भी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को गिरफ्तार करने का अधिकार देता था जो आंतरिक शांति को भंग करने डिस्टर्ब करने का प्रयास करते थे इसी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की गई वर्ष 1975 में और तर्क ये प्रस्तुत किया गया कि देश के समक्ष संकट विद्यमान है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ ताकतें कुछ लोग भारत की भारत में राजनीतिक अस्थिरता लाना चाहते हैं आंतरिक अशांति फैलाना चाहते हैं लिहाजा देश में आंतरिक अशांति के आधार पर जो संविधान की आर्टिकल तीन में एक वैध आधार है कि जब भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाए कि देश के समक्ष युद्ध बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के आधार पर देश की सुरक्षा संकट में है तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है वर्ष उन्नीस में कि राष्ट्र के समक्ष राष्ट्र के समक्ष संकट विद्यमान है और राष्ट्र की सुरक्षा युद्ध बाया आक्रमण से नहीं बल्कि आंतरिक अशांति के आधार पर देश को संकट देश के समक्ष संकट विद्यमान हो गया है इसलिए राष्ट्रीय आपात लागू करने की घोषणा की जाती है और राष्ट्रीय आपात लागू कर दिया गया जब भिन्न भिन्न राज्यों में उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे राजनीतिक राजनेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया अरेस्ट कर लिया गया और गिरफ्तारी के कारणों को भी शासन प्रशासन के द्वारा नहीं बताया गया किस कारण पर गिरफ्तार किया गया और जब गिरफ्तार किया गया तो उन्हें बताया गया कि आप लोग आंतरिक अशांति फैला रहे हैं इसलिए आंतरिक अशांति के आधार पर चूंकि राष्ट्रीय आपात लागू किया गया है इसलिए ऐसे व्यक्तियों को जेल में रखा गया है डिटेन कर लिया गया अरेस्ट कर लिया गया प्रस्तुत मामले में एडीएम जबलपुर के आदेश के पश्चात शिवकांत शुक्ला को भी गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया चूंकि शिवकांत शुक्ला पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के समक्ष एडीएम जबलपुर के आदेश की संवैधानिकता को चुनौती देते हैं और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के समक्ष सबसे प्रमुख विचारणी प्रश्न यह था आर्टिकल 226 के अंतर्गत कि क्या राष्ट्रीय आपात के दौरान संविधान की आर्टिकल बत्तीस एक के अंतर्गत प्रत्याभूत अधिकार कि उच्चतम न्यायालय में वाद लाने का अधिकार व्यक्ति के जीने की स्वतंत्रता आड़किल इक्कीस के अंतर्गत राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी क्या ये जीने की स्वतंत्रता या दैहिक स्वतंत्रता जो शारीरिक स्वतंत्रता है क्या राष्ट्रीय आपात लागू करने के दौरान व्यक्ति इस अधिकार का दावा नहीं किया सकता या व्यक्ति के जो जीवन का अधिकार जो सबसे मोस्ट प्रेसियस राइट है सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार है क्या व्यक्ति बेक्ट या व्यक्तियों को इस अधिकार से वंचित रखा जा सकता है राष्ट्रीय आपात के दौरान भी उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया कि राष्ट्रीय आपात में सामांत आर्टिकल 19 के द्वारा प्रत्याभूत सभी अधिकार निलंबित स्वतः निलंबित हो जाते हैं परंतु जीने का अधिकार तब भी बना रहता है और व्यक्ति को मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार और उसकी दैहिक स्वतंत्रता फिर भी बनी रहती है अब इस निर्णय के विरुद्ध अपील एडीएम जबलपुर के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में की गई आप देखें इसीलिए केस पहले रहा होगा शिवकांत शुक्ला बनाम ए जबलपुर या या ऐसे रहा होगा अब एक केस आ गया ए जबलपुर के द्वारा अब सरकार जो अपील में जाती है और सरकार उच्चतम न्यायालय के समक्ष उन सभी गिरफ्तारियों को जो गिरफ्तारी सरकार के द्वारा किया गया है उसको वैध ठहराते हुए जायज ठहराने की प्ली लेती है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष इस एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला के मामले में जो विचारणीय प्रश्न यह थे कि क्या राष्ट्रीय आपात के दौरान व्यक्ति के आर्टिकल इक्कीस में प्रत्याभूत जीवन अथवा पर्सनल लिबर्टी दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन माना जाएगा या यह अधिकार केवल और केवल आर्टिकल इक्कीस में ही है अन्य कोई अधिकार नहीं है जो जीने के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रस्ताव उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के समझ वह प्रश्न यह था कि क्या राष्ट्रीय आपात के दौरान व्यक्ति के उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार जो आर्टिकल बत्तीस में भी दिया गया है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन करने के लिए कोई मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में वाद लाने का अधिकार आर्टिकल बत्तीस एक में मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया है तो राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी लागू है तो क्या व्यक्ति के जीने का अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं व्यक्ति का उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में वाद लाने का अधिकार भी समाप्त हो जाता है और इमरजेंसी के दौरान क्या व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की वैधता को न्यायालय में चुनौती देने से भी वंचित हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के द्वारा इस मामले में यह निर्णय दिया गया कि चार एक के बहुमत से चार पक्ष में और एक विपक्ष में बहुमत के न्यायाधीश बहुमत का निर्णय इसमें दिया गया कि राष्ट्रीय आपात जो लागू किया गया है आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू करने की स्थिति में व्यक्ति के समस्त मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं चाहे वो 20 बीस या इक्कीस ही क्यों न हो अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने गिरफ्तारी की संवैधानिकता को उच्चतम न्यायालय में भी चुनौती नहीं दे सकता है अब देखिए उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय कितना दुर्गामी प्रभाव वाला था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया जाना कि आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू होने पर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में वाद लाने का अधिकार गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने का चुनौती देने का अधिकार भी समाप्त हो जाता है इसलिए आर्टिकल 20 और 21 भी निलंबित माने जाएंगे सस्पेंड माने जाएंगे अब इस निर्णय यह निर्णय अच्छा है या बुरा है मैं इसको बताने का प्रयास नहीं करूँगा परंतु जो साक्ष्य जो मिलते हैं उसमें ये कहा गया कि जो जस्टिस खन्ना थे वह उस निर्णय से सहमत नहीं थे इसलिए उन्होंने अपना विसम्मत में निर्णय दिया कि ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट जजमेंट डिलीवर्ड बाई द मेजॉरिटी उसे बहुमत के द्वारा डिलीवर्ड किए गए जजमेंट से जस्टिस खन्ना वॉज नॉट सेटिस्फाइड ऐसी स्थिति में ये उसी निर्णय इसी हाइबियस कार्पस केस के बाद ही जो उसमें जस्टिस ए एन रॉय थे उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त कर दिया गया यदि आप देखे होंगे तो जस्टिस ए एन रॉय को जब भारत का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त किया गया और तर्क दिया गया कि हम सीनियरिटी को नहीं मान रहे हैं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को मान रहे हैं प्रशासनिक क्षमता के आधार पर वरिष्ठता को भी सीनियरिटी को भी ओवरकम किया, किया जा सकता है ओवर रूल किया जा सकता है अर्थात वरिष्ठ होना और प्रशासनिक रूप से दक्ष होना दोनों अलग अलग क्राइटेरिया है इसलिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जा रही है यद्यप कि वे अन्य न्यायाधीशों से वरिष्ठ नहीं हैं सीनियर नहीं है सीनियर मोस्ट जज नहीं हैं परंतु प्रशासनिक क्षमता के आधार पर इनको भारत का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त किया जाता है अब इस जजमेंट के विरोध में इस जजमेंट का इतना विरोध हुआ कि अब जब नियुक्ति सारी उस नियुक्ति का विरोध हुआ नियुक्ति के विरोध में जस्टिस हेगड़े जस्टिस सिलेट एंड ग्रोवर ने त्यागपत्र दे दिया रिजाइन कर दिया और तत्पश्चात ऐसा जैसा कि टेक्स्ट बुक में आप पाएंगे कि इस प्रकार की बातें लिखी गई हैं कि एन राय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया मात्र सरकार के पक्ष में जो हैबियस कार्पस के केस में जो उन्होंने निर्णय दिया था ए एन राय ने उसको ध्यान में रखते हुए आ, उनको ये लाभ दिया गया और जितने जो सीनियर मोस्ट जजेज हैं उनकी सीनियरिटी को ओवर रूल करते हुए उनकी सीनियरिटी को बाईपास करते हुए सीनियर कौन थे जस्टिस सिलेट ठेगड़े और ग्रोवर उनकी सीनियरिटी को बाईपास करते हुए एक जूनियर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया और तर्क दिया गया कि प्रशासनिक दक्षता के आधार पर उनको प्रमोट किया गया प्रमोशन दिया गया जिसके फलस्वरूप उच्चतम न्यायालय के तीनों वरिष्ठ न्यायाधीशों ने त्यागपत्र दे दिया और यह पहली बार भारत के न्यायिक इतिहास में ऐसा हुआ कि जब सीनियरिटी वरिष्ठता के क्रम को ध्यान में न रखते हुए किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के आधार पर किसी जूनियर जूनियर व्यक्ति को भारत का मुख्य न्यायमूर्ति बनाया गया एक प्रकार से न्यायिक प्रणाली में भी रोष न्यायाधीशों में भी एक रोष हो गया और ये केस बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और कई दृष्टिकोण से इस केस को अगर आप अध्ययन करेंगे कोर्स का एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि यह केस कई मायने में बहुत ही अच्छा है इमरजेंसी से इसको संबंधित है ही है और इस पर बहुत विवाद भी हुआ और इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के इतिहास में यह जो निर्णय आया है हैबियस कार्पस केस का यह कई दृष्टिकोण से पूरा बड़ा डरेस्टिक चेंज हुआ जुडिशियल सिस्टम में पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट के जो सेटअप में बहुत चेंज हुआ कैसे हुआ मैंने आपको अभी जस्ट बताया है अब ऐसी स्थिति में चूँकि राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा कर दिया गया और हैबियस कार्पस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जब तक राष्ट्रीय आपात लागू है तब तक कोई भी व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता न्यायालय में वाद दायर करने का अधिकार का अधिकार नहीं है वो भी निलंबित हो जाता है तो इस प्रकार से कहीं न कहीं एक प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने भी एक प्रकार से गवर्नमेंट के डिसीजन को राष्ट्रीय आपात के निर्णय को एक प्रोटेक्शन दे दिया संरक्षण दे दिया एक प्रोटेक्टिव एम्ब्रेला दे दिया कि अब इस राष्ट्रीय आपात के दौरान कोई भी व्यक्ति न्यायालय में वाद दायर न करे चाहे भले ही अरेस्ट ही क्यों ना किया गया गिरफ्तारी क्यों ना किया गया हो हाईबीएस कार्पिस के ही मामला क्यों न हो अब राष्ट्रीय आपात के दौरान आप उसको नहीं ला सकते अब इस निर्णय के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए जनता पार्टी सरकार जब उन्नीस में चुनाव होता है देश में और देश में आम चुनाव के वर्ष उन्नीस सौ सतहत्तर नाइनटीन सेवेंटी सेवन उन्नीस सौ पचहत्तर में इमरजेंसी लगा सतहत्तर तक जो है गवर्नमेंट इमरजेंसी लागू रहा 1977 में जब आम चुनाव होता है तो उस आम चुनाव में जनता पार्टी सरकार केंद्र में पदासीन होती है चूँकि जनता पार्टी सरकार ने भारत की जनता से वादा किया था कि हम इस प्रकार के पुनरावृत्ति को नहीं लागू होने देंगे और राष्ट्रीय आपात में संशोधन जरूर होगा आधार पे जिससे कि आने वाली सरकारें उसका दुरुपयोग न करने पाएँ इसलिए चवालीसवा संविधान संशोधन उन्नीस सौ अठहत्तर यद्यप कि एक वर्ष लग गया सरकार के आने के बाद भी एक वर्ष लग गया एक कानून बनाने में फिर भी दे रहा दुरुस्त आया चवालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस सौ अठहत्तर के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपात लागू होने की स्थिति में भी समस्त मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं सिवाय दो अधिकारों के वे आर्टिकल बीस और इक्कीस हैं अब देखें वर्ष उन्नीस में एक व्यवस्था दी गई इस संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस के द्वारा कि समस्त मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है परंतु जीने के अधिकार का जो संविधान के आर्टिकल लिए किस द्वारा प्रत्याभूत अधिकार है उसका निलंबन नहीं हो सकता है जो संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार है जीने का अधिकार राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी उस अधिकार को छोड़कर समस्त अधिकार राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित होंगे अब अर्थात उन्नीस के पश्चात ये स्थिति बहाल कर दी गई कि राष्ट्रीय आपात के दौरान भी यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो अपनी गिरफ्तारी की संवैधानिकता को वह उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे सकता है यह तभी संभव हो पाया जब भारतीय संसद के द्वारा चवालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस के द्वारा आर्टिकल तीन में यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रीय आपात तो लागू हो सकता है यदि ऐसी स्थितियाँ विद्यमान हैं तो राष्ट्रीय आपात लागू हो परंतु समस्त मौलिक अधिकार सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं सिवाय दो मौलिक अधिकार को छोड़कर आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, 20 ट्वेंटी 21, ट्वेंटी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्यक्ति को राइट टू लाइफ है जीने का अधिकार है इसको राष्ट्रीय आपात में भी निलंबित नहीं कर सकते समाप्त नहीं कर सकते हैं तो आप देखें कि संसद संशोधन के माध्यम से कैसे सामंजस्य स्थापित किया कि राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो भी जीने के अधिकार को निलंबित नहीं किया जाएगा तो मैं समझता हूं कि हैबियस कार्पस केस के माध्यम से आप सभी ने एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला के केस के माध्यम से आप सभी ने इसके साक्ष्य को देखने का प्रयास किया जुडिशियल ओपिनियन ऑब्जर्वेशन क्या था आपने वो भी देखा संविधान पीठ के द्वारा कितने लोग बहुमत में थे विपक्ष में थे क्या था विसम्मत बहुमत के निर्णय के साथ ही साथ इस केस में विसम्मत का जो निर्णय था जो अल्पमत का निर्णय था वो भी कितना महत्वपूर्ण है और इस निर्णय के पश्चात भारतीय संसद के द्वारा कौन सा संशोधन किया गया ये भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया अब इस समग्रता से आप अगर देखें तो अभी तक जो मैंने इमरजेंसी से संबंधित आपको चीज़ें बताई हैं आप उसको देख सकते हैं कि स्लाइड पे मैंने आपको जो चीज़ें इसमें याद रखना है मैं इसको थोड़ा सा संक्षेप में पुनः हाईलाइट कर दूँ कि राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा होगी वह मंत्रिमंडल के परामर्श पर होगी मंत्रिपरिषद के परामर्श पर नहीं होगी इसका टाइम कितना होगा एक माह होगा एक माह के भीतर संसद दो तिहाई बहुमत से अनुमोदन करे तो इसे पुनः छः माह के लिए बढ़ाया जा सकता है और अनुमोदन की प्रक्रिया प्रोसीजर क्या होगा किस मेजॉरिटी विशेष बहुमत चाहिए साधारण बहुमत चाहिए तो मैंने आपको बताया कि जो रेटिफिकेशन होगा वह रेटिफिकेशन दो तिहाई बहुमत से होगा दो तिहाई बहुमत से यदि संसद के दोनों सदन अनुमोदित कर दें कि राष्ट्रीय आपात का जारी रखना आवश्यक है तो उसे छः माह के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है अब इस स्थिति में आप देखें कि यह पावर जो भारतीय संविधान के अंतर्गत तो राष्ट्रीय आपात से ली गई इमरजेंसी प्रोविजन लिए गए वह जर्मनी के संविधान से लिया गया ये भी एक अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन आप रखें कि जर्मनी के संविधान से इमरजेंसी प्रोविज़न आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान में समावेशित किए गए हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये तीन प्रकार के जो अभी मैं बता रहा था कि 359 और तीन जब राष्ट्रीय आपात की बात आएगी तो आपको देखना है कि आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक के प्रावधान की बात हो रही है इसके अतिरिक्त मैंने अभी जो कुछ भी बताया राष्ट्रीय आपात में कुछ मैं एडिशनल सूचना आपको बता दूँ अतिरिक्त सूचनाएँ बता दूँ जो आपके ज्ञान वृद्धि में सहायक होगा वह है कि राष्ट्रीय आपात का प्रावधान इमरजेंसी भारत में आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविज़न की जब भी बात आएगी तो आपको याद रखना है कि तीन से प्रारंभ होता है और 360 पे जाके यह समाप्त होता है और यदि मैं इसको कहूँ कि संविधान में ही तीन प्रकार के राष्ट्रीय आपात की बात की गई है वह राष्ट्रीय आपात तीन प्रकार के इमरजेंसी प्रोजन की बात की गई है पहला राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल तीन सौ बावन दूसरा राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना राज्य में भी आपात का लागू होना उसको बोलते हैं राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना ये शब्दावली संविधान में यूज की गई है इसको ध्यान में रखना है लेकिन एक मिसनॉमर है या मिसइंटरप्रिटेशन कहें या लोकप्रिय भाषा हो गई है जनमानस में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल प्रेसिडेंट रूल किस अनुच्छेद में है तो वैसे एग्जैक्टली आर्टिकल तीन में राष्ट्रपति शासन शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है परंतु राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल तीन के अंतर्गत जिस प्रकार से राज्य की सरकार को भंग कर बर्खास्त कर केंद्र की शासन व्यवस्था वहाँ लागू की जाती है उस पूरे एंटायर प्रोसीजर को हम राष्ट्रपति शासन की संज्ञा देते हैं तो राष्ट्रपति शासन समझने के लिए व्यवहारिक रूप में आप समझें कि आर्टिकल तीन सौ छप्पन के अंतर्गत है तीसरी जो महत्वपूर्ण इमरजेंसी प्रोविज़न है वह है राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रीय वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी मैंने आपको बताया राष्ट्रीय वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360. 360 ये सब एक प्रकार से संवैधानिक प्रावधान भी आपको याद हो गए कि 360 में वित्तीय आपात के विषय में फाइनेंशियल इमरजेंसी के विषय में प्रावधान किया गया है प्राय अभी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा संविधान का वह कौन सा प्रावधान है आपात से संबंधित जो अभी तक लागू नहीं हुआ क्रियान्वित नहीं हुआ तो उत्तर आपका होगा संविधान की आर्टिकल 360 सौ वित्तीय आपात वित्तीय आपात अभी भी भारत में कभी लागू नहीं किया गया संविधान का एकमात्र ऐसा प्रावधान है इमरजेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान फाइनेंशियल इमरजेंसी जो भारत में अभी तक लागू नहीं हो पाई और यह होना भी चाहिए कि इस ऐसी स्थिति नहीं आए कि आपात राष्ट्र वित्तीय आपात भारत, भारत में लागू करना पड़ेगा अब आर्टिकल थ्री सिक्सटी में क्या लिखा हुआ है कि जब भारत के राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि देश के समक्ष आर्थिक संकट है तो भारत का राष्ट्रपति भारत राज क्षेत्र में आर्थिक संकट के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है आप देखें वित्तीय आपात की उद्घोषणा फाइनेंशियल इमरजेंसी की उद्घोषणा राष्ट्रपति का समाधान हो जाना तो राष्ट्रपति का समाधान सेटिस्फैक्शन का मतलब उसका व्यक्तिगत समाधान हो जाना नहीं है राष्ट्रपति के समाधान होने से तात्पर्य यहाँ पे मंत्रिमंडल कैबिनेट के सेटिस्फैक्शन से है इट इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ कैबिनेट द कैबिनेट विल डिसाइड वेदर इमरजेंसी विल बी इम्पोज आर नॉट अगर यह प्रकार इस प्रकार की प्रस्ताव या सूचना मंत्रिमंडल के द्वारा लिखित रूप में इन राइटिंग दी जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा करें वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी की उद्घोषणा करें तो भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल तीन या 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि आप देखें कि भारत में कौन सी ऐसी परिस्थिति थी कौन सा वर्ष कौन सा ऐसा वर्ष था जब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो जाएगी 360 लागू कर दिया जाएगा यह दौर 1991 का है वर्ष उन्नीस का है जब खाड़ी देशों के युद्ध आपसी युद्ध के कारण देश में पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था का संकट मंडराया तो भारत भी उससे अछूता नहीं रहा और भारत को वर्ष उन्नीस में अपने सोने को गिरवी मतलब कहने का मतलब कि जो एक एस होता है स्पेशल ड्राइंग राइट होता है वो भी कम हो गया और आर्थिक मुद्रा मुद्रा संकट की वजह से मनी क्राइसिस की वजह से पूरा विश्व प्रभावित हो रहा था तो ऐसी स्थितियों में वर्ष उन्नीस सौ इक्यानबे एक ऐसा वर्ष था जो प्रतीत हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि देश में आर्थिक आपात की उद्घोषणा कर दी जाए परंतु भारत जैसा देश हमने उस संकट का भी सामना पूरे साहस से देशवासियों ने किया पूरे देश की जनता ने किया और निश्चित रूप से सरकार उस आ, वित्तीय आपात से भी न लगाने की स्थिति से भी उभर करके आई ये जनता का सहयोग और तो 360 की एक, एक स्थिति जो बनी थी 1991 में उन्नीस में आपने देखा होगा उस क्राइसिस इकोनॉमिक क्राइसिस से हम निजात पाए और संविधान की आर्टिकल 360 का प्रयोग उस दौरान भी नहीं हो पाया खाड़ी देश में उन्नीस में नहीं हो पाया अब आते हैं इसमें मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रीय आपात की उस घोषणा को कैबिनेट की सलाह पर इसके फंडामेंटल राइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा मैंने इस व्याख्यान के अंतर्गत वो भी एरिया को कवर करने का प्रयास किया कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो राष्ट्रीय आपात लागू होने पर प्रभावित हो जाएंगे इसमें सब सबसे महत्वपूर्ण जो बात याद रखनी है कि यदि राष्ट्रीय आपात लागू हो गया नेशनल इमरजेंसी यदि लागू हो गई तो उसमें कौन कौन से तत्व प्रभावित होंगे राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होने पर सबसे पहला मैंने आपको बताया कि वह संघ को ये प्रा, अधिकार प्राप्त हो जाता है कि राज्य को वह निर्देश दे दूसरा संघ की संसद को केंद्रीय संसद को अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की बना सके तीसरा संघ को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्य सरकार को यह निर्देश दे सकती है कि किस आधार पर कैसे कार्य करना है मौलिक अधिकार का निलंबन हो जाता है राष्ट्रीय आपात के दौरान राष्ट्रीय आपात कौन से मौलिक अधिकार होंगे मैंने आपको बताया कि जब आर्टिकल तीन सौ अट्ठावन थ्री फिफ्टी एट के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तो स्वतः आर्टिकल उन्नीस के समस्त अधिकार निलंबित हो जाएंगे तो आर्ट को आपको संविधान के आर्टिकल 358 भी देखना है कि तीन सौ क्या है तीन सौ उनसठ क्या कहता है और सब सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया वो चवालीसवें संविधान संशोधन के आलोक में के परिप्रेक्ष्य में ये राष्ट्रीय आपात का अध्ययन करना है कि अब नेशनल इमरजेंसी अगर लागू हो भी लागू हो भी तो भी मौलिक जो जीने का अधिकार है राइट टू लाइफ वह वह समाप्त नहीं हो सकता है कटिल नहीं किया जा सकता है दूसरा इससे संबंधित प्रावधान की जो आंतरिक अशांति था पहले इंटरनल डिस्टरबेंस था एक आधार था तीन सौ बावन लागू करने का राष्ट्रीय आपात उस आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह राष्ट्रीय आपात लागू करने का आधार बनाया गया प्राय प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया बयालीसवें संविधान संशोधन चवालीसवें संविधान ऐसे करके चार विकल्प होते हैं या यह पूछा जाएगा कि चौवालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आधार आर्टिकल तीन के अंतर्गत जोड़ा गया तो चार विकल्प होंगे सशस्त्र विद्रोह आंतरिक अशांति या क्या जोड़ा गया अब कब समाप्त किया गया इस तरह से मैक्सिमम जो प्रायोरिटी है प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न बनाने की जब छात्रों में यह विवेक उत्पन्न हो जाएगा कि एक आर्टिकल हम तीन सौ पढ़ रहे हैं तीन पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं इसमें क्या इसको प्रभावित करेगा और ए जबलपुर वैसे शिवकांत की केस को पढ़ा उसमें कितने न्यायाधीश थे कौन सा वह न्यायाधीश था जिसने अपना अल्पमत में निर्णय दिया उस अल्पमत के निर्णय को भी बाद में स्वीकार किया गया तो मैं समझता हूं कि जब आप इस समग्र जानकारी इन्फॉर्मेशन आप अगर अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस आर्टिकल तीन सौ बावन राष्ट्रीय आपात से संबंधित कोई भी प्रश्न कहीं से पूछा जाए तो आप बताने की स्थिति में होंगे और यदि स्लाइड के माध्यम से जो कुछ भी मैंने बताया मैंने जो कुछ भी इसमें आपको अपने वाणी से या इस स्लाइड के माध्यम से नेशनल इमरजेंसी को लेकर के बताई है सूचना दी है सुप्रीम कोर्ट के क्या योगदान रहा है इस राष्ट्रीय आपात को लेकर के भारतीय आ, संसद का क्या योगदान रहा है इस राष्ट्रीय आपात को संशोधित करने में इसके आधार को कैसे संशोधन किया गया कि इमरजेंसी अब कैसे लगाई जाएगी और इमरजेंसी के दौरान कौन कौन से अधिकार हैं वो जो निलंबित नहीं होंगे तो ये सभी अगर आप अध्ययन करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए आर्टिकल तीन सौ बावन से और उसका मूल अधिकारों पर प्रभाव क्या होगा महत्वपूर्ण केस मैंने आपको इसमें बताया जो ए डी एम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला याद रखना है दूसरा याद रखना है माखन सिंह बनाम पंजाब राज्य केस याद रखना है और तीसरा केस याद रखना है राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य की केस को याद रखना है तो मैं समझता हूँ कि इस केस को फिर कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या डिफरेंस है कहाँ इस शब्दावली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूज किया गया है या कैबिनेट के मंत्रिमंडल के द्वारा दी गए सलाह परामर्श पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करेगा या मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करेगा तो इस अंतर को भी आपको समझना होगा मैंने कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी आपको समझाने बताने का प्रयास किया है फिर उसके बाद यदि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति के, के द्वारा की जाती है तो इसका प्रभाव कितना होगा एक माह दो माह छः माह इसको संसद के द्वारा अनुमोदन करने के पश्चात कितने साल के लिए बढ़ाई जा सकती है छः माह एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है प्रोसीजर क्या होगा राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात को कब वापस ले सकेगा और किस प्रोसीजर से वापस ले सकेगा साधारण बहुमत से वापस लिया जाएगा संसद के द्वारा अनुमोदन करके और राष्ट्रपति कभी भी अपने द्वारा जारी किए गए एक नोटिफिकेशन से किसी भी एक अधिसूचना से कि आज दिनांक कितने से राष्ट्रीय आपात वापस लिया जाता है वह पर्याप्त होगा और उस नोटिफिकेशन को संसद के साधारण दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से एक अधिक सदस्यों के द्वारा अनुमोदन कर दिया जाए तो उस दिन से वह राष्ट्रीय आपात समाप्त समझा जाएगा तो दो बातें याद रखना है कि राष्ट्रीय आपात लागू हुआ तो उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता है समाप्त करना है मात्र औपचारिकता है तो कम से कम संसद को भी संसूचित किया जाना चाहिए वह साधारण ये दूसरी बात याद रखना है कि राष्ट्रीय आपात लागू करने का एक माह जो समय है जब कैबिनेट चाह रहा है कि राष्ट्रीय आपात लागू हो और राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय इमरजेंसी लागू कर दिया तो संसद के अनुमोदन की आवश्यकता क्यों है संसद के द्वारा इसके रेटि रेटिफिकेशन की आवश्यकता क्यों है तो आपको ये मैं बता दूं कि इसका लॉजिक केवल और केवल यह है कि राष्ट्रीय आपात लागू हो गया है नेशनल इमरजेंसी लागू हो गया है यह संसद को भी सूचित किया जाए संसद को भी सूचना दिया जाए जिससे चूंकि संसद देश के जनता का सामूहिक प्रतिनिधित्व करती है इसलिए संसद को भी यह सूचित किया जाए जनता को सूचित किया जाए कि देश किसी संकट से गुजर रहा है और देश की जनता जो अपने जनप्रतिनिधियों को निर्वाचित की है और वह लोकसभा में गए हैं राज्यसभा में गए हैं उनको भी ये अधिकार है जानकारी है कि देश के समक्ष संकट है और राष्ट्रीय आपात लागू होना चाहिए इसलिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता रखी गई जिससे दुरुपयोग न कर सके कार्यपालिका का भी या केंद्र की सरकार दुरुपयोग न कर सके ये दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता उसमें रखी गई है तो मैं समझता हूँ कि इस राष्ट्रीय आपात से संबंधित आपको जो मैंने आधार बताने का प्रयास किया इससे संबंधित कानून बताने का प्रयास किया और सबसे जो इम्पॉर्टेंट केस है वह आपको उस मैंने बताने का प्रयास किया एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला बंदी प्रतच्छीकरण का मामला और यह केस ही <coughs> यह केस ही ऐसा है जो भारतीय संसद को विवश कर दिया कि भारतीय संसद ने चवालीसवें संविधान संशोधन के उन्नीस के द्वारा एक संशोधन ला करके विधि को स्पष्ट करने का कार्य किया जिसने कि यह स्थापित किया गया जिससे कि वर्ष 1975 में जो राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था आंतरिक अशांति पर मातृमन प्रधानमंत्री के परामर्श राष्ट्रपति के द्वारा उस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कि अब राष्ट्रीय आपात लागू होगा तो भी व्यक्ति के न्यायालय में जाने का अधिकार और आर्टिकल इक्कीस के अंतर्गत जीवन का अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता है इसीलिए भारतीय संसद ने चवालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस के द्वारा यह संशोधन किया है कि आर्टिकल 20 और 21 के अधिकार को छोड़कर समस्त अधिकार मौलिक अधिकार निलंबित रखे जाएंगे तो मैं समझता हूं कि इस व्याख्यान के माध्यम से जितनी भी सूचना मैंने आपको देने का प्रयास किया है कोई भी प्रारंभिक या लिखित परीक्षा होगी छात्रों के लिए सभी में यह औ उपयोगी होगा इन्हीं बातों के साथ इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस व्याख्यान को विराम देता हूँ थैंक यू धन्यवाद